नमस्कार दोस्तों, होम्योपैथी विद सचिन में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम, मतलब इंसोमेनिया जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बताऊंगा। होम्योपैथी में उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, केवल सिंगल एक एक रेमेडी से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इस प्रॉब्लम को ठीक किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इंसोमेनिया या नींद नहीं आना एक डिसऑर्डर है, एक प्रॉब्लम है जिसमें पेशेंट को उतनी नींद नहीं आती है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। वैसे तो कभी ना कभी कोई ना कोई अपनी लाइफ में किसी ना किसी दिन नींद ना आने की प्रॉब्लम से ग्रसित रहता है, लेकिन अगर ये लगातार 3 से 4 दिन हो जाए तो फिर हम इसको इंसोमेनिया बोलते हैं, और तब इससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो आदमी होता है वो सुबह जल्दी से नहीं उठ पाता है, उसकी डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती है, और धीरे धीरे जब ये कंटिन्यूस होने लगता है, जब इसकी प्रॉब्लम लगातार हर महीने हर वीक आने लगती है, तो फिर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन उसकी बॉडी में क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से उसको इतनी सारी प्रॉब्लम देखने के मिलती है। जैसे उसके काम में उसकी परफॉर्मेंस कम हो जाएगी, लो मूड रहेगा, मूड स्विंग रहेगा, वो खुश नहीं रहेगा, छोटी छोटी बातों पर उसको जो है गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, या दिन में नींद आएगी जब काम करेगा उस टाइम, और वो बाइक या कोई व्हीकल चलाता है तो फिर एक्सीडेंट का डर भी उसमें बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत सारे केसेस में वेट गेन होता हुआ, वेट बढ़ता हुआ भी देखा गया है, या वेट लो होता हुआ देखा गया है, या भूख ना लगने की समस्या हो जाती है, और स्किन पे कई बार मेलाज्मा जैसे सिचुएशन भी देखने को मिलती है, डार्क सर्कल हो, किसी किसी को हाई ब्लड प्रेशर और जो डायबिटीज़ होती है, जिसको डायबिटिक मेलेटस बोलते हैं या टाइप 2 डायबिटीज़ बोलते हैं, वो होने के चांस भी इसमें बन जाते हैं अगर लगातार यही सिचुएशन रहे। जब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग कन्वेंशनल मॉडर्न मेडिकल साइंस की जो पिल्स होती हैं, जो गोलियाँ आती हैं, उनकी तरफ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए, और टेम्परेली वो चीज़ों को रिलीफ तो प्रोवाइड करती हैं, क्योंकि कुछ सर्टेन केमिकल को ब्लॉक कर देती हैं, कुछ केमिकल्स को एक्स्ट्रा कर देती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे इम्बैलेंस हमारी बॉडी में देखने को मिलते हैं, और लगातार उन पिल्स का उपयोग करने से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, वो भी जानना ज़रूरी है। यहाँ मैं बताऊँ आपको, होम्योपैथी इतना होलिस्टिक अप्रोच है, इतना नेचुरल अप्रोच है, जिसकी वजह से कोई नुकसान किसी को देखने को नहीं मिलता है, और प्लस जो प्रॉब्लम है वो भी अच्छे से हमेशा के लिए ठीक हो जाती है। लेकिन जब गोली लेते हैं, गोली लेने से किसी को माउथ में ड्राइनेस, सूखा सूखा मुंह रहने लगता है बहुत ज़्यादा, गैस ब्लोटिंग बनने लगती है, किसी को हेडेक बहुत ज़्यादा रहने लगता है। ये जो पिल्स हैं, स्लीप की जो पिल्स हैं, जो गोलियाँ हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों की भूख में जो है बदलाव आ जाता है, कुछ को राक्षसी भूख लगने लगती है, कुछ को भूख बिल्कुल भी नहीं आएगी, वीकनेस हो जाएगी बहुत ज़्यादा, लिथार्जीनेस, हमेशा पूरा दिन जो है आलस बना रहेगा। कुछ लोग तो अपना बैलेंस तक मेंटेन रखने की प्रॉब्लम उनको हो जाती है, मेमोरी इम्पेयरमेंट हो जाती है, याद रखने में मुश्किल होने लगती है। ये सारी समस्या लगातार गोली लेने की वजह से हमें देखने को मिलती है। अब जब हम होम्योपैथी की बात करते हैं तो होम्योपैथी में बहुत अच्छी मेडिसिन हैं जो इसको हमेशा के लिए ठीक कर देती है। इसमें मैं आपको 2 मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जो सभी को लेनी है, और बाकी 6 या 7 मेडिसिन ऐसी बताऊंगा जिनमें से कोई एक सिम्टम के अकॉर्डिंग आपको लेनी है। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी ही इस प्रॉब्लम से आप सॉर्ट आउट हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम। पहली मेडिसिन है पैसिफ्लोरा। पैसिफ्लोरा का मदर टिंचर की 10-10 बूंदे दिन में 3 बार सभी को लेनी है, चाहे उसको कि कोई भी सिम्टम आते हैं, क्योंकि होम्योपैथी में हम सिम्टम के अप्रोच पे ट्रीटमेंट करते हैं, खासकर क्रोनिक जो प्रॉब्लम होती है उसका। वैसे पैसिफ्लोरा सभी को इफेक्ट करती है। दूसरी मेडिसिन कालीफोस है। कालीफोस हालांकि मेंटल स्ट्रेस के लिए है, लेकिन ये भी सभी को दी जा सकती है। कालीफोस 6x की 4-4 गोली दिन में 3 बार लेनी है, तो ये मेडिसिन सभी को लेनी है। बाकी आगे जो मेडिसिन बताता हूँ उनमें से कोई एक मेडिसिन पेशेंट को लेनी है। सबसे पहली मेडिसिन है इग्नेशिया अमारा। अगर किसी को कोई बहुत दुख हुआ है, एकदम से कोई झटका लगा है, किसी के यहाँ कोई डेथ हो गई, कोई मिस हैपनिंग हो गई, और उसकी वजह से उसको नींद नहीं आ रही है, तो इग्नेशिया अमारा 200 पोटेंसी की 2 बूंदे जीप पे लगातार 3 दिन जीप पे डालेंगे, उसके बाद हफ्ते में 1 बार लेंगे, साथ में जो मेडिसिन मैंने बताई वो चलती रहेंगी। नेक्स्ट मेडिसिन है कोफिया कुरूडा। जिनको बिस्तर पे जाते ही लगातार बहुत सारे थॉट, बहुत सारे विचार दिमाग में घूमने लगते हैं, उन लोगों को कोफिया क्रूडा लेना है। कोफिया क्रूडा 30 पोटेंसी की 2 बूंदे सुबह, 2 बूंदे रात को ऐसे जीप पे डालनी है, जल्दी ये प्रॉब्लम ठीक होनी शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला उन लोगों को लेना है जिनको जब वो बिस्तर पे जाते हैं तो 12-1 बजे तक नींद नहीं आती है, 2 बजे तक नींद नहीं आती है, उसके बाद नींद
आनी शुरू होती है, यानी कि नाइट के फर्स्ट हाफ में नींद नहीं आती है। तो पल्सेटिला 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें जीभ पे दिन में 3 बार लेनी होती है। वहीं अगर कुछ लोगों को इसका उल्टा रहे, सेकेंड हाफ में नींद ना आए, ऐसे लोगों को नक सोमिका देनी होती है। नक सोमिका 30 पोटेंसी की दो बूंदें जीभ पे सुबह शाम लेंगे, नहीं तो 200 पोटेंसी रात को एक बार लेंगे। ये तो हो गई फर्स्ट और सेकंड हाफ की बात। वहीं कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनको बहुत ज़्यादा पेन बॉडी में रहता है, बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन है जिसकी वजह से नींद नहीं आती है, तो रस्टोक्स 200 पोटेंसी की दो बूंदें दिन में एक बार लगातार कुछ दिन तक लेनी होगी। कुछ लोगों को गर्ड एसिडिटी में जब रिफ्लेक्स होता है, एसिड ऊपर की तरफ आता है, लगातार छाती में जलन बनी रहती है, घबराहट बनी रहती है, ऐसे लोगों को रोबिनिया लेना है। रोबिनिया 6 पोटेंसी लेनी है, 4-4 बूंदें दिन में 3 बार, बाकी वो जो स्टार्टिंग में 2 बताई थी वो सबको लेनी ही है। वहीं अगर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको घबराहट बेचैनी रहती है, बहुत ज़्यादा शरीर में घबराहट रहती है, मुंह सूखा हुआ रहता है, ड्राइनेस रहती है, थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं, ऐसा लगता है जैसे बहुत प्यास लगेगी लेकिन पानी थोड़ा ही पिया जाता है, ऐसे लोगों को अर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी की दो दो बूंदें जीभ पे दिन में 3 बार कुछ दिन तक देनी है, साथ में जो स्टार्टिंग में मेडिसिन मैंने बताई थी वो। इस तरीके से आप इंसोमिनिया को जब ट्रीट करेंगे तो आप देखेंगे बहुत जल्दी ही आपका ये जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो जाएगी और बहुत अच्छे से नींद आने लगेगी। साथ में थोड़ा प्राणायाम और योग जरूर करें, रात को कोशिश करें डिजिटल डिवाइसेज हैं जो फ़ोन वगैरह हैं उनको थोड़ा दूर रख के सोएं अपने से, उनके नोटिफिकेशन पे ज़्यादा ध्यान लगाने की कोशिश ना करें। टाइमली खाना खाएं, शाम को 8 बजे के आसपास 8 बजे से पहले खाना खा लें और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाएं। अगर आप 9 बजे 10 11 बजे खाना खाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है, और फिर क्योंकि खाना खाने में पचने में भी बहुत सारी चीज़ें बॉडी में होती हैं जिसकी वजह से भी एसिडिटी, जलन, गैस, ये सारी चीज़ें बन सकती हैं। तो कुछ जीवन में बदलाव करने होंगे, नहाने से पहले अच्छे से ठंडे पानी से हाथ पैर धो के, अगर गर्मी है तो, अगर सर्दी है तो गुनगुने पानी से हाथ पैर धो के तब बिस्तर पे जाएं, और पूरा दिन की बातें सोचने को थोड़ा साइड करें। उसके लिए आप चाहें तो सोने से पहले 1 घंटा रख सकते हैं आपको इवेल्युएशन करने के लिए, बाकी सारी चीज़ें इसी से मैनेज हो जाएंगी। तो ये था आज का वीडियो इंसोमेनिया पे, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।